सो हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर तक हमने देख लिया था कि कैसे एसएफडी बीएमडी बनाते हैं हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स का। ज्यादा कोई हैवी नहीं लिए थे मैंने लास्ट टाइम, बिल्कुल सिंपल सिंपल ही कराया था, जैसे ये हुआ एंड देन। हाँ, तो मुझे आज ये कराना था, सिंपल वाले करा दिए तो आज थोड़ा हार्ड करते हैं। तो ये क्या हमारा एक प्रॉपर कैंटिलीवर बीम, मैं सही बोला क्या? किसी को पता हो प्रॉपर कैंटिलीवर बीम? अगर नहीं पता तो मैं तुमको बता देता हूँ प्रॉपर कैंटिलीवर क्या होता है। ये होता है प्रॉपर कैंटिलीवर बीम, क्योंकि इस लेक्चर में थोड़ा मैं बीम्स के बारे में बताता हूँ, टाइप्स ऑफ बीम, ताकि अगर किसी को नहीं पता हो तो। ये सिंपल तुम हम कर ही चुके हैं, सिंपली सपोर्टेड। नेक्स्ट वन इज अवर दिस वन, जिस जो हम आज करने वाले हैं, ओवरहैंग। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरहैंग, जो हमारा हैंगिंग कर रहा है लास्ट में उसको बोलते हैं ओवरहैंग पोर्शन। और जो प्रोप्ड है इसको हम बोलते हैं प्रोप्ड। ठीक है, ये वर्ड जो आया है उसी की वजह से आया, क्योंकि यहाँ पे एक इंच सपोर्ट लगा देते हैं हम, रोलर या इंच, जो हमारे किसको शो करता है, प्रोप्ड को। नेक्स्ट वन इज अवर फिक्स्ड बीम, दिस इज फिक्स्ड। एंड अगर दो से ज्यादा सपोर्ट हो, इफ दे आर मोर देन टू सपोर्ट, देन दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस बीम। एंड दिस वॉज योअर कैंटिलीवर बीम। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुम आराम से समझा दिया है, इसका अलग से तुम नोट्स बना लेना। तो ये कोई ज्यादा हार्ड वार्ड नहीं है, सिंपल ही है। सो क्रॉस इट, ठीक है। तो ये तुम आराम से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आज जो मैं कराने वाला हूँ ये कि हमारे पास प्रॉपर्टी कैंटली और बीम है, तो इसको हमको क्या करना है, एसएफडी बनाना है और बीएमडी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो बनाना कैसे, तो पहले मैं ये बीम बनाता हूँ, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या करना है, इसके अननोन्स निकालने हैं। अननोन्स में जो रिएक्शन आ रहा है, देखो हिंज है तो दो रिएक्शन आएंगे, एच और आर वन। यहाँ पे भी क्या आएगा, एक और रिएक्शन आएगा, रोलर है तो क्या आएगा, आर टू आएगा। और ये तुम्हारा क्या पी लोड है, ये तुम्हारे एंड पे भी क्या है, पी लोड एल बाई टू है। सेकेंड, ये एल बाई टू, एल बाई टू, एल बाई टू, और तीनों तुम्हारे एल बाई टू हो गए। वही हमारे पास तीन अननोन है, तो तीन इक्वेशंस भी है, तो ये क्या है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो एफ एक्स जीरो करेंगे तो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल में एच जीरो। सेकेंड वन, समेशन एफ आई जीरो मीन्स पॉजिटिव एक साइड, पॉजिटिव वाई वाले एक साइड, नेगेटिव वाई वाले एक साइड। पॉजिटिव वाई में कौन है, आर वन और आर टू, दो पॉजिटिव में है। नेगेटिव में कौन है, नीचे नीचे दो पी। तो क्या इक्वेशन आएगी, टू पी। थर्ड वन इज अवर समेशन एम जीरो। अब बताओ किसके अबाउट लिखोगे, जहां पे तुमको कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो दो रिएक्शन आ रहे हैं लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कहीं पे भी ले लो। हम यहाँ ले लेते हैं, या तो एम जेड यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आर वन अट जाएगा और हमको सीधा क्या मिल जाएगा, आर टू मिल जाएगा। अगर तुम यहाँ पे लोगे तो तुमको सीधा आर वन मिलेगा, आर टू अट जाएगा। क्यों, क्योंकि आर टू का इफेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर यहाँ के अबाउट मोमेंट लिखोगे तो देखो आर वन का भी इफेक्ट आएगा, आर टू का भी इफेक्ट आएगा, तो आर वन आर टू की एक और इक्वेशन आएगी, तुमको ऐड ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके तब निकालना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंदी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे अननोन्स होते हैं वहीं को क्या करना है, मोमेंट इक्वेशन लिख देंगे तो इजी रहता है। तो ये हमारे अननोन्स है, जहाँ पे हमारे अननोन है आर वन आर टू, तो यहीं पे हम क्या लिखेंगे, नॉर हमारी मोमेंट इक्वेशन। तो मैं लिख देता हूँ ए के अबाउट, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो ए के अबाउट मैंने मोमेंट इक्वेशन लिखा, देखो इसके अबाउट बताओ, मोमेंट इक्वेशन मीन्स क्लॉकवाइज एक साइड, एंटी क्लॉकवाइज एक साइड। इसके अबाउट लिखो, ये कैसे देगा, क्लॉकवाइज इफेक्ट पी इंटू एल बाई टू। आर थ्री कैसे देगा, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे देगा, एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट। आर टू इंटू लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक एल, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज साइड, आर टू इंटू एल। तीसरा, ये कैसे देगा, क्लॉकवाइज इफेक्ट, तो क्लॉकवाइज साइड, एल टू एल बाई टू, एल बाई टू, एल बाई टू, थ्री एल बाई टू, कितना पी के साथ, तो पी के साथ थ्री एल बाई टू। इसको सोल्व करो, ये पी
एंड देन 3p एंड देन r2 एंड देन दिस इज अवर 2 एंड r2 इज इक्वल टू 2p। आई थिंक आई हैव डन सम रॉन्ग, चेक कर लेते एक बार। हाँ तो हमने पी एल बाई टू क्या है, r2l उधर करा है एंड 3l/2 उधर करा है, दिस इज अवर 314, 4/2, 2, 2, ओके सही है। तो r2 हमारा क्या है, 2p आया। r2 हमारा क्या है, 2p। r2 2p आया तो r1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सिंपल। r1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो r1 0 आ जाएगा। सही है क्या, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि गलत करा है। पी एल बाई टू ये आ गया, पी 3l/2 ये आ गया, ठीक है। r2 × l एंड l ये आ गया, l से l कट गया, 3 4 4/2 एंड देन, ठीक है। तो r1 0 आ गया और r2 क्या आ गया मैंने 2p। तो हमारे पास थोड़ी सिंपलिसिटी हो गई एग्जाम्पल में, ये थोड़ी सी क्या हो गई सिंपलिसिटी, वो मैं चाहता नहीं था वैसे। तो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ सवाल, क्योंकि अगर इजी ले लिया तो क्या फायदा। तो ये मैं कर देता हूं 4, 4 कर दिया, कहां चेंज आएगा। ये पी अभी भी ठीक है, R2 में अभी भी L है, बस यहाँ पे L/4 है, और L तो L+L/4 इज इक्वल टू 5L/4। तो ये थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि सिंपलिसिटी नहीं चाहते हम, जितना चाहते हैं उतना ऐड कर ले तो वो ज्यादा बढ़िया है। ओके सो दिस इज अवर 5l/2, तो कितना हो गया, 314 एंड देन 2pl/2, ये 2pl r2 5l/4, तो 8p/5 इज इक्वल टू अवर r2 1.6p। तो r2 कितना आ गया, r2 आ गया 1.6p। तो R1 कितना आ जाएगा, देखो टोटल कितना है, 2P है, तो 0.4P किसके पास बचेगा, RP, R1 के पास। तो ये R1 या R2, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा नेगलेक्ट अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मेन मोटिव क्या है, समझानी है, लेकिन होगा नहीं, चांसेस यही है नहीं होंगे। तो देखो 1.6P आया R2 एंड दिस इज अवर 10.4। तो वही हमको सेक्शन बांटने वापिस, ये कितना है 1.04 एंड देन दिस इज अवर 1.6, दिस इज अवर पी एंड दिस इज अवर ऑल्सो पी, l/4 l/2 l/2। देखो करते हैं सेक्शन कौन कौन सा, 1 2 3 4, चार सेक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, शियर फोर्स, शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन एस्ट 1, पहले बताओ कितना है, पहले पे कहा है ऊपर की तरफ, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो मतलब क्या है, पॉजिटिव लेंगे ऊपर की तरफ, तो 0.4p। शियर फोर्स एट 2, 2 पे देखो, यहाँ पे देखा तो जस्ट पहले देखना है और जस्ट बाद में, मैंने बताया था जब भी कोई पॉइंट लोड आए तो जस्ट पहले और जस्ट बाद में ये देखा करो, वो ज्यादा सही है। तो जस्ट पहले देखा तो 0.4p अभी भी है इसके पास, जस्ट पहले, ठीक है। और जस्ट बाद में देखा तो कितना आया, p नीचे आ गया, 0.4p ऊपर था और 1p कहाँ गया, नीचे, नीचे मीन्स नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो कितना हो गया, माइनस 0.6p, ठीक है। तो ये फर्क आएगा तुम्हारे इस पी लोड की वजह से, SF3 यहाँ पे देखना है, तो जस्ट पहले जस्ट बाद में, तो जस्ट पहले देखा तो 0.6p रहेगा, सेम जो पहले चलता आ रहा वो ही रहेगा, बट जस्ट बाद में देखते क्या हुआ, 1.6p ने इसको पुश करा कहाँ पे, ऊपर की तरफ, तो 0.6p नेगेटिव का और ऊपर की तरफ आया तो प्लस में लिखेंगे कितना हो जाएगा, 1.6, सॉरी दिस इज 1.6p, कितना हुआ, p के बराबर, पॉजिटिव p आ गया। अब चौथे पे देखते हैं, चौथे पे भी देखो पॉइंट लोड है तो थोड़ा लेफ्ट में और जस्ट राइट, तो लेफ्ट में देखा तो क्या रहेगा, वही रहेगा p के बराबर जो पहले चलता आ रहा है, बट जैसे सपोर्ट पे आया मतलब जहां पे लोड की पोजीशन पे आया तो उसने नेगेटिव एक पॉइंट फोर्स लगाया, कितना नेगेटिव लगाया, तो नीचे आ रहा है p का, कितना हो गया 0। बना दो डायग्राम, देखो पहले कितना है 0.4p, पहले कितना है 0.4p, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। आगे देखो
SF2 सेकंड पोजीशन, अभी भी क्या है 0.4p है। अब देखो ये कोई सोच रहा हो सर कि हम लीनियर बनाए या कांस्टेंट बनाए, तो कांस्टेंट ही बनाएंगे क्यों, क्योंकि लेंथ का कोई फैक्टर आई नहीं कहीं पे भी, नहीं है कहीं भी लेंथ नहीं आ रहा, देख लो ओनली पी आ रहा है। लेंथ की पावर कितनी है, जीरो है, तो क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे भी कितना है 0.4p। जैसे राइट पाया मीन्स इसी सेक्शन की बात करें, लेकिन हमने जब लोड कंसिडर करा पी वाला तो कितना हो गया -0.6, कितना हो गया -0.6। वन सेकेंड, ये तो 0.4p, जैसे मैं नीचे आया तो मुझे क्या मिला, नेगेटिव का 0.6p, जिसको ऐसे बनाते हैं। ये ज्यादा नीचे ले लिया थोड़ा सा, हमको जगह है ना पेंडिंग मोमेंट के लिए भी चाहिए, तो थोड़ा सा कम ही लेते हैं। ठीक है, बस तुम स्केल की तरफ मत जाना, है वही नेगेटिव में क्या आ गया 0.6p। फिर हम आगे गए, अभी भी क्या है 0.6p है, लोड तक आते आते क्या है 0.6 ही है, बट जैसे उस लोड को हमने कंसिडर करा 1.6p को, कितना हो गया वो कैपिटल पी के बराबर, मीन्स पॉजिटिव पी के बराबर। तो ये थोड़ा सा बढ़ाया क्योंकि 0.4 यहाँ पे, तो है, पी यहाँ पे आ जाएगा। तो स्केल को मत देखना, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर वापस चलते गए, जैसे चौथे लोकेशन पे आए फोर्थ पे, तो जस्ट लेफ्ट में कितना है पी, यानी कॉन्स्टेंट रहेगा पी है, और जैसे उसको लोड को कंसिडर करा कितना हो गया जीरो हो गया, कितना हो गया जीरो। तो ये तुम्हारा क्या है SFD। ठीक है, अब BMD बनाते हैं। तो BMD बनाने के लिए वापिस अब मैं इस कैलकुलेशन को थोड़ा हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे जो काम की कैलकुलेशन है वो मैंने कर दी है। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, दिस वन, ये लगता नहीं मुझे कोई काम का है, काट काट काट, जगह खाली करो थोड़ा। ठीक, दिस वन इज ओके, चल कर दें। तो आगे हम क्या करते हैं, BMD बनाते हैं। तो BMD के लिए लोडिंग डायग्राम हमारे पास क्या है, पहले तैयार है लोडिंग डायग्राम, पहले ही क्या है तैयार है, तो मैं वापस क्यों बनाऊं भाई, इसी को ले लेते हैं ऊपर, इसी को ऊपर ले लेते हैं। ठीक, तो हमने इसी को ले लिया ऊपर। ठीक है, तो देखो हमारे पास लोडिंग डायग्राम रेडी है, अब BMD बनाना। BMD के लिए भी वही सेक्शन, पहला ये रहा, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, चारों पे निकालना है। सो बेंडिंग मोमेंट है फर्स्ट, कहां से देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फर्स्ट पे देखा, अब तुम इसको R12 भी कर सकते हो, इसी को भी कर सकते थे, जैसे मैंने इसमें करा शियर फोर्स डायग्राम में, IL2R, R12 करके देखोगे सेम आएगा, बस साइन कन्वेंशन उल्टे कर देना ध्यान से। तो L2R हम करते हैं, इसको रहने देते हैं अभी, L2R देगा, देखो इस पे कितना है जीरो है, कुछ भी मोमेंट नहीं है, जीरो। दूसरे पे चलो, यहाँ पे आए तो 0.4p का लोड लग रहा है L/2 पे, कैसा है क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज लेंगे क्या, पॉजिटिव 0.2 pL। बेंडिंग मोमेंट है थर्ड, अब देखो तीसरे पे आ गए, अब तीसरे पे आते मैंने देखा कि लेफ्ट में कितने लोड है, एक दो, और राइट में कितना लोड है, एक, तो कौन सा करोगे R12 वाला, क्योंकि जो सिंपल है वही करो। तो यहाँ पे R12 का देखो कितना लग रहा है, P लग रहा है L/4 पे, और यहाँ पे एक लोड लग रहा है कितना 1.6 P, जो किसी काम नहीं आएगा, किसके अंदर, मोमेंट के अंदर। तो देखो ये कैसा मोमेंट देगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हम लेते हैं कैसे है, नेगेटिव लेते हैं जब R12 बात करते हैं, तो राइट टू लेफ्ट, तो L/4 P से मल्टीप्लाई कर दो PL/4, और चौथे पे कितने आ जाएगा, चौथे पे वापस यहाँ पे जब बात करेंगे कोई लोड है ही नहीं आगे और कोई मोमेंट नहीं है, तो जीरो। सिंपल है बेंड मोमेंट डायग्राम। तो ये तुम्हारा पेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बना देते हैं इस पेन से। देखो पहले कितना है जीरो, फिर कितना है 0.2 pL। अब बताओ L की पावर कितनी आ रही है, वन आ रही है, हर जगह वन आ रहा है, जीरो वाले मत देखना बाकी और देख लो, वन आ रहा है मीन्स लीनियर बनेगा 1 डिग्री। तो ऐसे तुमको पता लगाना है लीनियर बनेगा, कॉन्स्टेंट बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री में सिंपल 0.2 pL, कैसे पोजिशन पे, इस पोजिशन पे, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया 0.2 pL। ठीक है, तीसरे पे कितना हो गया 0.25 pL, बट ऑफ नेगेटिव, किसका, नेगेटिव का, इस पे क्या हुआ नेगेटिव 0.25
2.25 PL, तो थोड़ा यहां पे ले लेते हैं 0.25 PL और वापिस 0, तो इसको मिला दो लीनियर लाइन से। ए 1 सेकेंड, यहां कहाँ जा रहा है ये? एंड देन दिस वन एंड देन दिस वन, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव। तो देखो कई बार क्या होता है, तुमसे ये भी पूछ लेता है ये पॉइंट कहाँ पे होगा, इसकी लेंथ बताओ एल बाई टू के हिसाब से। क्या करो यार, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, ये तुमको पता ही है, तो इस ट्रायंगल को मैं अलग निकाल लेता हूं। ये कितना है 0.25 PL है, ये कितना है 0.2 PL है, ये एक्स मान लेता है, तो ये कितना हो जाएगा एल बाई टू माइनस एक्स, फिर टोटल कितना है एल बाई टू है। तो लगा लो ट्रिपल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, तो 0.2 PL अपॉन एक्स, क्योंकि थीटा तो सेम रहेगा, तो थीटा क्या होता है लंबवत आधार मीन्स परपेंडिकुलर अपनो बेस, 0.25 PL अपॉन एल बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो इसको तुम सोल्व कर लो, 4, 5, 9, 9 टुकड़े हो गए, 9 टुकड़े में से 4 टुकड़े इधर जाएंगे, 4/9 × L/2 मीन्स L/18, ओ तो नो नो नो, 2, 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
आई थिंक दिस वन ये आएगा, 2 2 5 8 9, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या आ गए, लेंथ आ गए। तो ये कितनी लेंथ है, 12 बाई 9 यहां से लेके यहां तक, और ये कितना रहेगा, 5 L/18। तो ये पूछ लेता कई बार, मतलब तुमको बनाना भी चाहिए BMT के अंदर, क्योंकि ये क्या है, मतलब पॉइंट्स काफी मतलब होते हैं ना, तो ध्यान देने वाले ये पॉइंट्स होते हैं इसलिए, ठीक है। तो देखो डायग्राम में फिर मैं तुमको दिखाता हूँ क्या क्या चेंज आ रहा है। जहां पे तुम्हारा शेयर फोर्स ज्यादा था वहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो, जहां तुम्हारा शेयर फोर्स में क्या है, जैसे डिक्रीज हुआ बड़ा, फिर और आगे गया नेगेटिव में, फिर ये मतलब ये स्लोप से तुम कर सकते हो वापस। यही वो दोबारा चीजें मैं बताने वाला हूँ, देखो कैसे। हमको पता है कि एम एक्स का स्लोप क्या देता है, शेयर फोर्स देता है वी। बताओ एम एक्स का स्लोप निकालो, ये एम एक्स डायग्राम है, स्लोप कितना आ रहा है, 0.2 PL/L/2। सोल्व करो कितना आएगा, 0.4 P। बताओ इस रीजन में शेयर फोर्स कितना है, 0.4 P। अब इस रीजन की बात करो, इसमें निकाल लो कितना आएगा। देखो टोटल ले लेते हैं, कोई सा भी ले लो, ये वाला पोर्शन ले लो, चाहे ये ट्रायंगल अलग कर लो, इसका थीटा निकाल लो, कोई तुम्हारी इच्छा है। 0.2 PL/L/2 लेंथ कितना है नीचे का, 12/9, कितना आएगा, 2 से 2 कटा तो 9 आ जाएगा, 0.9 times of P। थोड़ा मिस्टेक करा हमने यार कहीं पक्का। नॉट दिस वन, ठीक है। ये तुम कैलकुलेशन मिस्टेक है, थोड़ा एक बार चेक कर लेना, लेकिन ये इसी से मैच करेगा, ठीक है, वैल्यू से मैच करेगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं सर, ये गलत क्यों आ रहा है। लास्ट वाला देखते हैं, ये वाला 0.25 PL/L/4, ठीक है, 0.25 PL, तो ये कितना आ जाएगा, 1 1 PL, मीन्स 1 PL से एल कट गया, तो 1 P के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो 1 P देखो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 1 P। तो ये तुम्हारा हमेशा मैच करेगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ये सब सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा गलत आ रहा है तो पक्का यहाँ क्या है, कोई प्रॉब्लम है, हमको ये वाला चेक करना पड़ेगा, ये लेंथ क्या है सही नहीं है। बट दूसरा तरीका है इस ट्रायंगल को चेक करने का, मैं पूरा क्या ले सकता हूँ, ये स्लोप ले सकता हूँ, थीटा कितना है, 0.2 PL/0.25 PL अपॉन टोटल लेंथ कितना है, L/2, कितना हो जाएगा, 0.54 L/2, ठीक है। सो दिस वन यू कैन चेक बाय योर ओन। सो ठीक है गाइस, ये वाला हो गया प्रॉब्लम हमारा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, कहां पर देखते हैं, किधर 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 किधर, ठीक है। नया सवाल करते हैं, UVL का। UDL तुम्हारा कंप्लीट कराई दिया मैंने, एक प्रॉपर कैंटीवर करा दिया, अब UVL का एक सवाल कराऊंगा जिसमें तुम्हारे थोड़े डाउट्स जो है वो और क्लियर हो जाएंगे, मतलब कंसेप्ट, डाउट्स तो नहीं, डाउट्स मेरे अकॉर्डिंग होने नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बताया मैंने तुम्हें, लेकिन अगर फिर भी है सो यू कैन आस्क। सो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद हम देखते हैं एक UVL का एग्जाम्पल।
सो यूवीएल हमारा लोडिंग है जिसका हमको एक एग्जांपल देखना है। तो यूवीएल का भी मैंने कहा था, यूवीएल का भी देखेंगे। तो इसके बिना हमारा एसएफडी बीएमडी कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए ठीक है। सो यूवीएल का देखते हैं एक एग्जांपल, जिसमें हमको करना है क्या, हमको वही सीएफओ डायग्राम बीएमडी बनाना है, दोनों वही सेम काम अभी भी करना है दोबारा। तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी डब्ल्यू है, और ये हमारी क्या है, लेंथ। ठीक है, हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई। तो ओके इसको करते हैं हम। तो पहले तुमको क्या निकालना है, रिएक्शन निकालना है। सबसे पहला काम क्या है, रिएक्शन फाइंड आउट करना। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमको रिएक्शन फाइंड आउट करना है, जिसमें आर वन तो तुम्हारा इधर आएगा और सेकेंड रिएक्शन क्या आएगा, आर टू इधर, और जो हॉरिजॉन्टल आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और इसकी वजह से नेट फोर्स इसका भी आएगा, कौन सा फोर्स, इसका अंदर का, क्योंकि ट्रायंगुलर है, और ट्रायंगल का लोड कहाँ आता है, बिल्कुल एल बाई थ्री पे आता है। कितना आएगा, इसका एरिया निकाल लो, हाफ एरिया इज व्हाट, हाफ बेस इज इक्वल टू एल एंड हाइट इज इक्वल टू एल, डब्ल्यू एल बाई टू। कितना आएगा, डब्ल्यू एल बाई टू। तो सोल्व करते हैं, देखो समेशन एफ आई मीन्स, समेशन एफ आई मीन्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में फोर्स, बराबर कर दो, समेशन एफ आई जीरो। समेशन एम अबाउट ए ले लेते हैं, ए मीन्स ये वाला, जीरो कर दो। तो क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कौन कौन सा आएगा, सिर्फ इसी की वजह से क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, किसकी वजह से, डब्ल्यू एल बाई टू। कितना दूर है, टू एल बाई थ्री, ये एल बाई थ्री है, तो ये कितना हो जाएगा, टू एल बाई थ्री। एंटी क्लॉकवाइज, आर टू एंटी क्लॉकवाइज देगा, कितनी लेंथ दूर है, एल, एल से एक एल कट गया, सो आर टू इज वॉट, डब्ल्यू एल बाई थ्री। आर टू डब्ल्यू एल बाई थ्री आ गया, तो यहां से इन दोनों से क्या निकाल लेंगे, आर वन निकाल लेंगे, कितना आएगा, टू डब्ल्यू एल, वन सेकेंड इसको सही से सॉल्व करते हैं। आर वन आर टू कितना आएगा, डब्ल्यू एल बाई थ्री आ गया, सो आर वन इज वॉट, डब्ल्यू एल बाई सिक्स। ठीक है, कितना आ गया, डब्ल्यू एल बाई सिक्स आ गया हमारा आर वन। तो आर वन आने के बाद हमको क्या करना है, रिएक्शंस आ गए, तो सिंपल है, सीएफओ डायग्राम बना दो। क्या बना दो, सीएफओ डायग्राम। तो ये वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ ब्लैक कलर के पेन से, नहीं दूसरे कलर से लिखते हैं। यह आया डब्ल्यू एल बाई सिक्स, डब्ल्यू एल बाय थ्री। फिर हमने क्या करें, हमको एस एफ डी बनाना है, तो हमको सीएफओ तीन सेक्शन में काट देता हूँ इसके अंदर। तो हमारे रिएक्शन आ गया अभी, तो रिएक्शन आने के बाद हमको क्या करना है, अब इसका एस एफ डी बनाना है। तो एस एफ डी के लिए क्या करना है, पहले एक सेक्शन कट करो। देखो जो मैंने फंडा तुमको बताया था कि एल की पावर में कितना ऑर्डर रहेगा, वो सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर द यूडीएल्स, ओनली फॉर द यूडीएल्स, ओनली फॉर नॉट, बट अगर उस पर सिर्फ यूडीएल अप्लाई हो रहा है, तो अगर यूवीएल कहीं उसके अंदर आता है तो यूवीएल के रूल्स अलग होते हैं थोड़े बहुत, वो मैं तुमको इसके अंदर बताऊंगा क्यों। इसमें रूल्स अलग होते हैं, वो कैसे होते हैं वो थोड़ा आगे अब देखते हैं कैसे होते हैं रूल्स अलग। तो हमने क्या करा, हमने सीएफओ देखा, तो सीएफओ कहाँ पे देखा, पहले पहले ए पे देखा, तो सीएफओ एट द ए क्या रहेगा, जो रिएक्शन है वही रहेगा, डब्ल्यू एल बाई सिक्स। अब नीचे चलते हैं, नीचे चलते ही हमको मिला कि, मतलब नीचे मीन्स आगे, मैं किसी एक्स लेंथ पे गया, कोई भी एक्स लेंथ जो मैंने सेक्शन एक कट कर रखा है यहाँ पे एक्स एक्स। तो मैंने जैसे तुमको बताया कि 1 मीटर पे कितना रहेगा, 1 मीटर पे कितना आएगा, बताया तो नहीं शायद, मैंने नहीं बताया, देखो बता देता हूँ। एल मीटर में तुम्हारे पास कितनी इंटेंसिटी है मैक्सिमम, देखो एल मीटर जाने के बाद कितनी इंटेंसिटी आ रही है डब्ल्यू मीटर की, कितनी, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। तो 1 मीटर दूर जाने पे कितनी इंटेंसिटी आएगी, डब्ल्यू बाई एल। तो अगर मैं एक्स मीटर की बात करूं, तो एक्स मीटर जाने के बाद कितना आएगा, डब्ल्यू एक्स बाई एल किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू एक्स बाई एल। ठीक है, तो इसकी वजह से एक नेट फोर्स भी आएगा इधर, हाफ एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू एल। और यहाँ पे एक रिएक्शन है कितना, डब्ल्यू एल बाई सिक्स। तो ये तुमको देखो, ये कितनी टी पावर है, वन, बट इसकी जो ये सेकंड पावर है ये किसकी वजह से नेगलेक्ट हो रही है, एल की वजह से। तो ये तुमको दिखेगा नहीं किसके अंदर, जब हम वो बनाएंगे हमारा क्या एस एफ डी डायग्राम,
उसमें सिर्फ तुमको एल ही दिखाई देगा, हमको एक्स के स्क्वायर दिखाई नहीं देगा उधर, दिखाई नहीं देगा। तो ये तुमको देखने के लिए अलग से ध्यान रखना पड़ेगा कि यूवीएल के अंदर क्या होता है, बता देता हूँ। यूवीएल के अंदर क्या होता है और यूडीएल, फर्क क्यों है? ये तुम्हारे यूवीएल है और ये तुम्हारे यूडीएल है, फर्क क्यों? क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, डब्ल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट। बट यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। डब्ल्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ध्यान रखने के बाद डब्ल्यू क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, किसके अलोंग, एक्स के अलोंग। तो डब्ल्यू जो है उसकी यूनिट में एक जो मीटर है, क्या है, एक जो मीटर है वो एक्स्ट्रा मान के चलना। क्या मानोगे, एक जो मीटर है तुम्हारा क्या रहेगा, हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा, ये तुमको ध्यान रखना है। जो 1 मीटर जो तुम्हारा है वो क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। तो देखो वो कैसे आता है, मेन चीज यही है इसके अंदर। तो ठीक है, तुमको क्या करना है, एक्स हमेशा एक ऑर्डिनरी रहता है इसके अंदर, मैंने बता दिया। जैसे डब्ल्यू के अंदर एक एक्स ऑलरेडी क्या रहेगा, रहेगा, क्योंकि ये कह रहा है एक्स के साथ भी वेरी कर रहा है। तो 1 डिग्री हमको हमेशा एक्स्ट्रा बढ़ानी है, किसके वजह से, इस डब्ल्यू की वजह से, क्योंकि डब्ल्यू भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, क्योंकि ये भी लीनियरली वेरी कर रहा है। तो लीनियरली वेरी करने की वजह से इसके पास 1 डिग्री रहेगा, क्योंकि जब हमने कॉन्स्टेंट वाला देखा था तो डब्ल्यू क्या था, कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट मीन 0 डिग्री। तो डब्ल्यू के पास खुद के पास 0 डिग्री था, बट जब हम इसका जब एस एफ डी बढ़ाएंगे तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, शेयर फोर्स कितना मिला है, देखो WL/6। अब तुमको देखने से क्या लग रहा है, 1 डिग्री लग रहा है, लेकिन ये 2 डिग्री है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू के पास भी क्या है, 1 डिग्री अलग से बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये खुद वेरी कर रहा है, किसके साथ, एक्स के साथ। डब्ल्यू भी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, लीनियरली फंक्शन है। तो इसलिए इसमें भी 1 डिग्री है और 1 डिग्री यहाँ पे, तो कितना हो गया, 2 डिग्री हो गया। तो ये तुमको ध्यान रखना है, यही मेरे को बेसिक्स था जो बताना था इसके अंदर। ये जो सारे मैंने जो रामायण अभी करी है इसमें, वो सिर्फ इसी के लिए था ताकि तुम समझ पाओ कि डब्ल्यू के अंदर भी एक एक्स अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, एक एक्स। तो समझ गए मेरी बात। तो अब हम क्या करते हैं, शियर फोर्स निकालते हैं। शियर फोर्स एट 1 कितना रहेगा, प्लस का आर एल, आर एल में WL/6। बताओ दूसरे पे कितना रहेगा, दूसरे पे कितना रहेगा, जस्ट राइट वाला देख। मैंने 3 सेक्शन कट नहीं करे, चाहो तो कट कर सकते हो। देख लो, जैसे मैंने ये कट लेता हूँ, ठीक है, सेकंड ये मान लेते हैं, बी वाला, इसको सेकंड मान लेते हैं। देखो सेकंड वाले पे क्या सीन है, ऐसा लोडिंग है। L/2 पे मान लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, L/2, जिसमें ये क्या लग रहा है, WL/6। और ये कितना हो जाएगा फिर, ये W है तो W की हाफ इंटेंसिटी हो जाएगी कितनी, W/2। कितना हो जाएगा, W/2। कर लो इसको सोल्व, इसका टोटल एरिया की वजह से क्या आएगा, लोड आएगा, कितना आएगा, हाफ L/2 W/2, एल नहीं, W/2। कितना हो गया, WL/8, WL/8। तो यहाँ पे कितना आएगा शियर फोर्स, WL/6 पॉजिटिव, नेगेटिव में क्या आएगा, WL/8, नेगेटिव में क्या आएगा, WL/8। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और ए, कितना 8 एलसीएम लेते कितना आएगा तुम्हारा, 24 4 3, सो WL/24 कितना आएगा, WL/24। दूसरे पे, अब तीसरे पे देख लेते हैं। अब तीसरे के लिए देखो, जब तुम थर्ड लोकेशन पे आओगे तो इसको लेफ्ट में कितने लोडिंग है, ये लोडिंग है पूरी, और राइट में सिर्फ कितनी लोडिंग है, एक। तो ये वाला करो, ज्यादा अच्छा है, W WL/3। तो जस्ट पहले देखो, WL/3 के जस्ट पहले कितना रहेगा, नेगेटिव WL/3। क्यों? क्योंकि ऊपर लग रहा है WL/3, ऊपर लग रहा है तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि राइट टू लेफ्ट हम देखेंगे तो क्या आता है, नेगेटिव आता है ऊपर वाला। और जस्ट उस पर देखेंगे तो WL/3 एक ऊपर भी लग रहा है, तो उसके से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जस्ट लेफ्ट का है, ये जस्ट कहाँ पे है, जब हमने लोड भी क्या करा है, कंसिडर करा है इसके अंदर, ये वाला। तो तुम्हारा शियर फोर्स डायग्राम कैसे आएगा, पहले वाले पे कितना आ रहा है, WL/6 पॉजिटिव का, बीच में कितना आ रहा है लगभग, WL/24 ये मान लो, और लास्ट में कितना आ रहा है, WL/3 नेगेटिव। तो देखो अब 2 डिग्री है, पता है अपने को क्या है, 2 डिग्री है। अब देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है 2 डिग्री में। अब ये मैं दोबारा बेसिक से बता रहा हूं, ऐसे करके 2 डिग्री करके ले जाओ, ये 2 डिग्री है, तुमको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये थोड़ा स्लोप है, ठीक है, स्लोप मान लो। अब दूसरा एक और ऑप्शन है कि तुम कर्व को कैसे लेके जाओगे, ऐसे भी करके ले जा सकते हो। अब तुम सोचोगे सर लगाया कौन सा,
तुम्हारे पास क्या है, प्रॉब्लम ये आएगी तुम लगाओगे कौन सा। तो देखो चेक करो इस वाले केस के अकॉर्डिंग स्लोप कितनी है, ये हमारा क्या है SFD है, SFD मीन्स VX कर्व, और जो W है वो क्या होता है DV/DX। शुरू में बताओ W कितना है, शुरू में W कितना है, जीरो है, शुरू में कितना है W, जीरो, तो स्लोप भी क्या देनी पड़ेगी, जीरो देनी पड़ेगी, तो इसको कर्व को कैसे लेना पड़ेगा ऐसा, तो ये नीचे वाला क्या है गलत, ऐसे करके ले जाओ। फिर W की वैल्यू देखो, अब यहाँ पे आके तुमको, यहाँ पे आके तुम सोचोगे सर मैं ऐसा दू, देखो मैं बता देता हूँ, अलग से बताता हूँ, ऐसा दू या फिर ऐसा दू, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है स्लोप वापिस जीरो है, स्लोप मीन्स W जीरो है। अब लास्ट में तुम चेक करो तुम्हारा स्लोप जीरो है, W जीरो है या नहीं है, क्या बताओ वैल्यू है ना इसके पास, कुछ जीरो है नहीं, तो तुमको कौन सा देना पड़ेगा, तुमको कुछ स्लोप यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा SFD कैसा बनेगा, फिर SFD तुम्हारा जीरो भी नहीं देना, जीरो देना है यहाँ पे, स्लोप क्या है जीरो, तो ऐसे लेकर ऐसे, अब यहाँ देखो स्लोप जीरो नहीं है, कुछ एंगल है यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है फिर उसको ऐसे मिला दो, तो तुम्हारा क्या है SFD, और इस पे लिख देना क्या है 2 डिग्री का, कितना डिग्री करो 2 डिग्री, तो ये तुम्हारा क्या हो गया इसका SFD हो गया। PMD बनाते हैं आप नए पेज पे, फिर जल्दी से खत्म करते हैं इसको। ये हुआ ये तुम्हारे W, यहाँ पे है WL/6, यहाँ पे WL/3, ठीक है बेंड मोमेंट डायग्राम। अब मैं दो ही जगह बना रहा हूँ, देखो सब जगह नहीं बना रहा, ठीक है ए पे बी पे, ठीक है बाकी बीच में तुम कोई सा भी लोकेशन लेके बना सकते हो, ए पे जीरो है बी पे जीरो है, तो बना ही देते हैं यार थोड़ा बेकार लगेगा, सी ए दे देते हैं जो कितना है L/2, और ये भी कितना है L/2, तो बनाओ देखो ए पे तो कितना आएगा बेंड मोमेंट, जीरो आएगा कंफर्म है, ए पे भी जीरो और बी पे भी जीरो, सी पे निकालते हैं, सी पे क्या सिनेरियो, ये सिनेरियो है ये L/2 है और ये W/2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ पोर्शन लेंगे W का, ये तुम्हारा रिएक्शन है WL/6 करो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे बेंडिंग मोमेंट है सी, क्लॉकवाइज क्या लेंगे पॉजिटिव, सो WL/6 इंटू L/2, नेगेटिव क्या लेंगे इसका इफेक्ट कितना आएगा, एरिया कर लो हाफ L/2 W/2, हाफ L/2 W/2 कितना हो गया WL/8, WL/8 कितना दूर है ये 1/3 ऑफ दिस लेंथ, तो L/2 का भी 1/3 कितना हो जाएगा L/6, नेगेटिव आएगा क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है L/6, इसको मल्टीप्लाई कर लो WL²/6, 2Z12 48, 3Y48 WL², 16, यहाँ पे कितना आ रहा है 16 आ रहा है। अब बताओ तुम्हारे पास कितना डिग्री का करवाया गया, W के पास खुद के पास क्या है 1 डिग्री है, L के पास कितना डिग्री है 2 डिग्री है, कितना डिग्री हो गया 3 डिग्री हो गया आएगा करवाएगा, तो ये तुम्हारा क्या होता है कंसेप्ट होता है UVL के अंदर, W कैसे वेरी कर रहा है ये हमेशा ध्यान रखना। अब मैं तुमको एक और लोडिंग बना के देता हूं, तुम सोच के बताओ मुझे कि यहाँ पे SFD का कितना डिग्री होगा और BMD का कितना डिग्री होगा, बताओ लोडिंग कैसा है, लोडिंग खुद 2 डिग्री का है ध्यान रखना, लोडिंग कितना डिग्री है 2 डिग्री, सोच के बताओ SFD कितना होगा, BMD का ऑर्डर कितना होगा, देखो 1 डिग्री था, 1 डिग्री में तुम्हारा SFD का ऑर्डर कितना आया, मतलब जो रिएक्शन आया वही तो SFD, एक तरह शियर फोर्स है, W खुद 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, कितना डिग्री का आया था SFD 2 डिग्री का, 2 डिग्री का SFD था और 3 डिग्री का क्या था BMD, यहाँ बताओ जब W खुद कितना डिग्री का है 2 डिग्री का है, W कितना डिग्री का है 2 डिग्री का, देख लो पहले वाले में कितना डिग्री का था 1 डिग्री का, और जब कॉन्स्टेंट था कितना डिग्री का था 0 डिग्री, ये कितना कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट मीन 0 1 2, W कितने का है 2 डिग्री का, तो SFD कितने का आएगा 3 डिग्री का, BMD कितने का आएगा 4 डिग्री, तो ऐसे करो हम क्या करते हैं बनाते हैं, डिग्री कैसे डिफाइन होती है ऐसे डिफाइन होती है, एक एक जोड़ते जाओ। अब तुम इसको ट्रिक बना लो, कंसेप्ट मैंने तुमको बता ही दिया 1000 बार, ट्रिक बना लो, W में एक जोड़ो V मिलेगा, V में एक जोड़ो M मिलेगा, अब इसमें भी कंसेप्ट बताता हूँ, M तुम्हारा क्या होता है DV/DX, V तुम्हारा क्या होता है DW, ये
डब्ल्यू तुम्हारा क्या होता है, डीवी बाई डी एक्स, और ये भी गलत कर दिया यार। कलर चेंज करते हैं थोड़ा अलग है। वी क्या होता है, डीएम बाई डी एक्स, ठीक है, और डब्ल्यू क्या होता है, डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो एम का वन डेरिवेटिव मीन्स मैंने एक्स का डिवाइड दिया तो हमको क्या मिला, वी मिला। तो अगर तुम्हारा इसमें लेंथ का फैक्टर कितना है, 3 है, और एक्स के पास भी कितना फैक्टर है, 1 है, तो वी का फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर वी का फैक्टर 2 आया तो इसके पास कितना है, 1 है, एक्स के पास भी, तो एल का डब्ल्यू का फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा, 2 में से 1 गए तो 1। तो देख लो अगर तुम्हारा डब्ल्यू 1 है तो वी कितना आएगा, 2 डिग्री आएगा, और एम कितना आएगा, 3 डिग्री। ऐसे क्या है, इंटरकनेक्शन है। 1 2 3, डब्ल्यू में एक जोड़ो वी मिलेगा, वी में एक जोड़ो क्या मिलेगा, एम का डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे इसी रिलेशन से मिलके आते हैं सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो आराम से। 3 डिग्री बनाना है, कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, बीच में कोई मोमेंट आया था, बीच में कितना मोमेंट आया था, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16, पॉजिटिव, कैसे आया था, पॉजिटिव। तो इसको ऐसे करके ऐसे बनाना, बस यहाँ बना देना ये पॉजिटिव है, और इस पे लिख देना ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री। समझ गए मेरी बात। तो ये तुम्हारा क्या है, बीएमडी है, और एसएफडी में क्या लिख देना है, 2 डिग्री, बात खत्म। और इस पे लिखना चाहो तो लिख दो, 1 डिग्री डब्ल्यू का है। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर है मेरी तरफ से, एसएफडी बीएमडी के, मेरी तरफ से पूरा एसएफडी बीएमडी कंप्लीट है। आप तुम चाहो तो कर सकते हो इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम नया टॉपिक देखेंगे और धीरे धीरे। तो ओके गाइस, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।